एक पुलिस वाला हुक्मरानी कर रहे पूरे सुबह सीन में, ना वो कोई स्टेट मानते ना कोई, यहाँ पे किसी की कोई वो नहीं, अपने लिए उसने अलग कानून बनाया, तो ये कानून हम ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस शक में कि रांची की गंदगी खत्म करते हैं, हम कचरों में पूरा दिन गड्ढरों के नालों में घूम रहे हैं और हमें समझ आ रहा है कि ये तहरीके तालिबान के नौजवान है। तहरीके तालिबान बनाने वाले कौन हो, तहरीके तालिबान को ये प्लेटफॉर्म दिया किसने? आज नाम पे नाम, कल नकीब के बच्चे उठ के होंगे तो बोलेंगे इसके वालिद तो भाई कोई बड़ा क्रिमिनल था, कोई बड़ा चोर डाकू था, कोई बड़ा तालिबानों का नेटवर्क था। क्या नकीब के बच्चों के साथ भी यही इंसाफ ही होगी? क्या नकीब के फैमिली को कोई इंसाफ नहीं दिलाएगा? उसका चेहरा बताता है, उसकी चेहरा को देखो और इनको देखो जो अपने आप को सिंध पुलिस समझ रहे कि वो तहरीके तालिबान का 2009 में ड्राइवर था, तो क्या वो 8 साल के अंदर वो इतना बड़ा कमांडर बन चुका है? उसने 8 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कारनामे कर लिया, तो कहां थी तेरी ये स्टेट 10 साल से? कहां था तेरा ये हुक्मरानियां 10 साल से जब ये यहाँ पे था? ये दुनिया को पता है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे नकीब किसका फ्रेंड नहीं है, किसका दोस्त नहीं था? इन सब से आप पूछ सकते हो कि नकीब को बेगुनाह मारा गया, नकीब की एक फ्यूचर तबाह कर गया। आज हम इस शख्स को भी क्या कर सकते हैं? हम इस कराची शहर में सुबह निकलते रात 2 बजे घर जाते हैं, इस शहर में बेहतरी बनाने के लिए, इस मुल्क के इस्लाम को बेहतर बनाने, इस माशरे की मकसद क्या था, हमने अपनी माशरे की मकसद क्या लाइक करना है, दूसरों को हमने क्या सिखाना है? हम अपने ऊपर खेल के इन लोगों इन तानों में आज भी हम फंसे हुए, हर सुबह पेशिया करते इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ खड़े कि आपसे हम सवाल करेंगे। मारना है तो सब नकीबों को मारो कि ये जान, ये मसला, ये कबायल का सिस्टम ही खत्म हो जाए, नहीं तो दोबारा कोई नकीब की मार नहीं रोने देंगे और ना रुलाएंगे। इंशाल्लाह हम कानून के हर दरवाजा कटकाएंगे, कानून में हर टिकल दिपाए बनी हुई है, यहाँ पे हमारे कोर्ट है, हमारे वकील है, अदलिया है, यहाँ हमारे पास कुछ भी ना रहा, यहाँ से कोई को उठा के मार डालो भाई खत्म कहानी। ये कानून किस चीज का है, ये कोर्ट या अदालतें किस चीज का है, तो ये बंद कर दो। राव अनवर को पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन या पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बना दो, एक रंगड़ आदमी था, उसकी औकात क्या जो इतनी आयु लेवल पे जा रहे हैं गरीब लोगों को? मारोगे आप, अब सबको मारो राव अनवर, अब सब कबायलों को खत्म करो और ना आपका जीना अब आराम होगा इंशाल्लाह। ये नौजवान रोडों पे सोएंगे, नकीब का हिसाब आपसे लेंगे और इंशाल्लाह इस अजियो इन हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम चीफ आर्मी स्टाफ पे बात के बैठेंगे कि प्लीज हमें इंसाफ चाहिए। अब हमें कलम और किताब दिया है तो हमें यही होना चाहिए, हमें दोबारा अपनी हरकतों पर मजबूर नहीं करो। पूरी कराची के हर रोड पे, हर गली पे, हर नुक्कड़ पे आपको कबायली नजर आएगा। शुक्रिया। चालू मुकाबले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी यार महसूद हो क्या? ये बताओ किसी भी पठान